हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करता है, यानी उसकी जो भी जरूरत है, जो भी नीड है, जो भी हाजत है पूरी करता है, इसके लिए कोशिश करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और वो कोशिश पूरी हो या ना हो, कोशिश पूरी हो या ना हो, जब बंदा ऐसा कोशिश करता है, कोशिश में लगा हुआ रहता है, कोशिश हो पूरी हो या ना हो, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को बख्श देते हैं। मतलब क्या है उसमें, बंदा अपने भाई की या अपने रिश्तेदार की, अपनी औलाद की, अपने पड़ोसी की, मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने के लिए कोशिश कर रहा, मेहनत कर रहा अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की जो ना अगले पिछले गुनाहों को बख्श देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे बंदे के लिए दो चीजें लिखी जाती है, एक जहन्नम से नजात और दूसरा मुनाफिकत से छुटकारा। एक तो बंदा जहन्नम से नजात मिल जाती है उसको, क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की दी हुई अमानत को अल्लाह की मर्जी के तहत इस्तेमाल किया, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की मर्जी के तहत इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की नेमत को अल्लाह की समझा, अपनी नहीं समझा, अपनी नहीं समझने की वजह से वो अल्लाह की नेमत को अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया। जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला इतना खुश हुआ, उसको जहन्नम से भी नजात दे रहा है, उसके गुनाहों को भी बख्श रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिकत से छुटकारा। निफाक बड़ी बहुत दिल की बड़ी बीमारी है। तो हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमत से नवाजा, किसी को माल से नवाजा, किसी को सलाहियतों से नवाजा, किसी को जो है ना दिमाग की सलाहियतों से नवाजा, जो जो भी जिसके पास सलाहियतें हैं, जो जो भी जिसके किसी को तजुर्बों से नवाजा, जिसके पास भी जो तजुर्बे हैं, सलाहियतें हैं, पैसा है, माल है, दौलत है, अपने जब भाई की, रिश्तेदार की, पड़ोसी की मदद में जो लगाएगा, मतलब ये हदीस में आ जाएगा।